इसी बात पर सिर हिलाना कंपलसरी है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस तो मेरा काफी अच्छा रहा है। अब लेट्स सी क्या होता है आगे, काम देखते हैं। और हम जो काम देते हैं वो नीट एंड क्लीन काम देते हैं। 5 किलो ये बहुत बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, इनको तो ज्यादा लींबू लगते हैं क्योंकि ये वो ग्रीन टी वगैरह सब उसमें है। कभी कोई ऐसा पेशेंट भी हो, प्यार से हम दवा देते हैं, इंजेक्शन भी प्यार से लगाते हैं। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। मैंने बहुत कोशिश की एस्केप होने की। अच्छा। मैं पूरे फ्लैट में दौड़ी थी। अच्छा। नेबर्स के घर चली गई थी। बिल्कुल। बट फिर भी पकड़ के लाए और इंजेक्शन मारा। मतलब मम्मी मुझे गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन शायद उन्होंने मारा है तभी आज हम यहाँ स्टेबल है। मुझे डिटेंशन मिलता था, मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता था। जय श्री कृष्ण, मतलब लाला ही आएगा। आंटी ने हमारे संडे को इनविटेशन दिया है, इनके वहाँ पे डोसा बनने वाला है, कैमल डोसा। आप लोग ने कभी कैमल डोसा खाया है? खाया तो मुझे कॉमेंट करके बना दो। कैमल अभी हम आए थे जय भाई के यहाँ पे, इनका दुबई का इंटरनेशनल कामकाज काफी बच्चा है, तो आइए जय भाई के यहाँ पे काफी सारे गेस्ट हैं। कैसे जय भाई, मजे में ना? इनको थोड़ा थोड़ा गुजराती आवड़ता है आलम जी, तो कुछ और गेस्ट आए हमारे यहाँ पे, तो आइए उनसे जानते हैं। एलेक्स भाई नाम है इनका। मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे ऑफिस पे आके, आपको कैसा लगा? काफी अच्छा। काफी अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आया आप, तो कैसा चाहिए यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में? एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा है अभी, अब तक तो काफ़ी कुछ मेरे साथ भी फ्रॉड हो चुका है, तो इसके मुकाबले तो काफ़ी अच्छा रहा है। अब लेट्स सी क्या होता है आगे, काम देखते हैं। कुछ और गेस्ट है, कैसे हो भैया, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे हमारे कॉमेडी इंडस्ट्री में? जय भाई के यहाँ पे आके आप हमारे सेट पे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही फ्रेंडली एटमोसफियर है और जय सर तो हमेशा हेल्पफुल रहे हैं, नॉट ओनली बिजनेस टर्म्स में लेकिन एक फैमिली मेम्बर की तरह। कुछ और सेलिब्रिटी आए हैं उनसे जानते हैं, मैम कैसा लगे आपको यहाँ पे आके? सेलिब्रिटी भी बहुत ही अच्छा, हमारे तो एक फैमिली मेंबर जैसे। जय राठौर के शो पे आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। जय भाई जोरदार, ये हमारे पास जय भी जोरदार, जय भी जोरदार, सांदर गुजराती, ये हमारे ऑलरेडी से टाइटल हमारे रजिस्टर किया हुआ है। एक और मैम है जो बॉलीवुड के बहुत ही पुराने मूवी में आपने देखा होगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट धर्मपाजी के साथ में वगैरह, तो मैम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा अच्छा लगता है। और आपके हाथों की मेहंदी वगैरह मैम काफी कह रही है, किसने लगाई? मैंने लगाई। अच्छा आपने खुद लगाई मुझे ना? एक हाथ से लगाया, फिर पानी वानी सब मुझे ले आजकल की जो फिल्में आती है मैम बॉलीवुड की, उसमें और आपके जमाने की जो फिल्में थी उसमें काफी अंतर आ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, आपके फेवरेट स्टार कौन है? हीरो में, हीरो में तो ऋषि कपूर था। अच्छा ऋषि कपूर सर थे, बिल्कुल मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। नीतू मैडम अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, आपके जो हस्बैंड हैं उनके जो फैन फॉलोअर्स हमारे अहमदाबाद में भी है, और नीतू मैडम के भी फ्रेंड हूँ। अच्छा नीतू मैम के फ्रेंड हो, तो अभी आप शादी में नहीं आए, आपको मैंने कार्ड वार्ड भेजा था फिर भी आप, अच्छा मेहंदी लगाई शादी में नहीं आए, देखिए ध्यान से देखिए इस महिला को, जो नीतू मैम के ऋषि सर के फैन तो है लेकिन उनके बच्चे की, इकलौते बच्चे की शादी में नहीं आए, क्यों मैम ऐसा क्यों किया? तो ये रितु मैन है, आज मैं इनका एक राज और बोल देता हूँ, ये एनजीआर के फाउंडर भी है और हमारे एक बहुत बड़ा फैशन शो भी आने, वो तो आने वाला, आपने देखा होगा कमिंग सून। तो रितु मैन इतने सारे गेस्ट आज हमारे यहाँ पे, इतने बड़े सेलिब्रिटी आए, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे हमारी फर्म से कोई सेटिस्फाई होके जाए, इससे बड़ी और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो काम देते हैं वो नीट एंड क्लीन काम देते हैं। जी 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 बिल्कुल। और उससे काफ़ी क्लाइंट सेटिस्फाई है, उसकी उसी बेस पे हमको आगे से आगे काम का हमारा पता चलता है, और हम अहमदाबाद में ऐसा ही काम करना चाहते हैं कि लोग हमसे सेटिस्फाई हुए और नीट एंड क्लीन काम हम देते हैं। किसी के साथ फ्रॉड हुआ होता है वो भी यहाँ पे आते हैं कि नहीं मैडम आप बताइए, सर आप बताइए, तो हमें उन्हें राइट टू वे बताते हैं। फ्रॉड की बात की तो ये जो मैडम है इनके साथ, इनके साथ दुबई के मामले में फ्रॉड हुआ था, तो वो ये तो हालांकि ब्लॉग है, ब्लॉग सुन करो, इसके बाद मैं इनका एक अलग से वीडियो लेके आपको बताऊंगा कि इनके साथ रेल में क्या घटना घटी थी, फॉरेन जाने के नाम से इनसे 65,000 ले लिए थे। उनसे पहले इनके लड़के से मिला था जो कि अपने टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़ा फैन है ना। अच्छा आप टाइगर श्रॉफ के बड़े फैन हो ना?
अच्छा टाइगर श्रॉफ का कोई डायलॉग डिलीवरी वगैरह है आपको याद है, कोई बोलेंगे टाइगर से अगर वीडियो बोलो 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 कोई भी मतलब वो बोलते ना आती नहीं जाती नहीं ऐसा कोई डायलॉग था। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। भाई भाई बोलो तुम बोलो। बोल दे बोलो बोलो है ना, ऐसे बोलो छोटा बच्चे हो क्या है ना। एक्चुअली शर्मा तो बहुत है ये टाइगर श्रॉफ का, हालांकि टाइगर श्रॉफ भी शर्मा थे जब वो छोटे थे, हालांकि अभी नहीं शर्मा थे बॉलीवुड में आने के बाद में, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे रोमांटिक हीरोइन मिल जाते उसके बाद कौन शर्मेगा। बट एक चाय के ऊपर बात करना चाहूंगा, एक्चुअली हमारा जो चाय वाला है भाई, चाय वाला आजकल चार फोन के बाद आता है, तो अभी लगता है चाय वाला चेंज करना चाहिए। तो एक चाय वाला देश चला रहा है, एक चाय वाला हमारा ये जो विक्रम चैम्बर चला रहा है, एक और छोटा छतरी बता रहे हम आपको। हेलो, ये वैसे इनके इंस्टाग्राम पे भी इनकी आईडी है, तो अभी थोड़ा सा हाय करो। हेलो बेटा, से हाय। तो ये इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मारा मारे की सीन देखे यहाँ पे बिना एक्शन और लाइट कैमरा के, देखिए गुस्सा आ गया बोला है ना, तो डायरेक्टर सर कट 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 फिर से सीन किया जाएगा। ये देखो ये भाई सबको गुस्सा बहुत आता है बोला, ये देखो अमरीश पुरी की याद दिला दी इन्होंने गुस्से में, है ना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मुझे भी कैमरा स्टॉप करना पड़ेगा वरना कहीं मेरे कैमरे पर मतलब अटैक ना कर दे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अभी हम चाय वाय पी लेते उसके बाद रहते हैं कंटिन्यू। अल हबीबी अल हबीबी। तो दोस्तों अभी हम दुबई जाए तो वहाँ पे नींबू बहुत सस्ता मिलता है, तुमको कितना किलो मंगाना नीचे कमेंट में मेरा नंबर है, तुम लोग ऑर्डर लिखाना 50% पेमेंट पहले करने का, बाकी जो ड्यूटी की बात देखिए आंटी जी से जानते हैं। आंटी जी आपके लिए कितना नींबू लेके आना है दुबई से अगर सस्ता मिलता है? 1 kg बस 1 kg। रितु बेन तमारा माटी कितना किलो नींबू लेने आवा? 5 किलो। ये बहुत बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, इनको तो ज्यादा नींबू लगते हैं क्योंकि ये वो ग्रीन टी वगैरह सब उसमें है, तो ये इनके तो लेमन ज्यादा लगता है ना क्योंकि ये चाय में पीते नहीं है। तो आपके कितना किलो नींबू बुक करूँ मैं? 5 किलो इनके है ना, ठीक है भैया। इनकी तो वैसे लड़की भी देखेंगे दुबई में अल हबीब बीच है ना, तो शेख साहब की लड़की अगर पसंद आ जाए तो इनके लिए हम ढूंढेंगे, है ना। कैसा लगेगा तुमको शेख साहब? अच्छा लगेगा, बट फ्यूल दूंगा दहेज पे। उनके तो कुएं होते हैं दहेज में, वहाँ कुआ मिलेगा तुमको। इंडिया में और जय भाई तो हमारे साथ में, हम तो वहाँ से नींबू लेंगे वही निचोड़ेंगे वही पे नींबू शिकंजी पिएगा, है ना। और दोस्तों जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तुमको कितना नींबू मांगता है नीचे कमेंट करके जल्दी बता था। और आज स्पेशल है नर्स डे और एक नर्स हमारे साथ में है, वैसे इन्होंने काफी सारे इंजेक्शन लगाए हैं। आइए पहले तो जानते हैं आप इंजेक्शन लगा देते तो आपको कैसा लगता था? पूरी बड़ास निकल गई थी। अच्छा नर्स मैडम मैं जानना चाहूंगा ये पॉइंट वाली बार मौका मिला तो कभी कभी जैसे आप घर से गए हो गुस्से में हो और कोई ऐसा पैसे ला गया नहीं, तो आपने प्यार से लगाया एकदम पोसा दिया मतलब जैसे जान में, तो कभी गुस्सा नहीं करते हो पैसे पे? कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा कोई याद नहीं लंबा मतलब कभी भी नहीं, कभी कोई ऐसा पैसे भी हो? प्यार से हम दवा देते हैं, इंजेक्शन भी प्यार से लगाते हैं। अच्छा इंजेक्शन भी प्यार से लगा जैसे सोना चाहिए मैडम? पेशेंट पड़ा होते हैं बच्चों पे गुस्सा नहीं करते। अच्छा बच्चों पे गुस्सा नहीं करते। तो सबसे पहले तो आपको आपकी नर्स डे, आज नर्स डे है बोले ना, और काफ़ी उम्र वाले नर्स है और नर्स बोले तो इनका जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, इनका अनुभव बहुत ही अच्छा अनुभव है। और आज जितने भी नर्स ये वीडियो देख रही है ऑल ओवर इंडिया से, आप सभी को दिल से जेके मथरिया और जय भाई का क्या बोलते हैं, दिल से क्या बोलते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मतलब थोड़ा हिंदी आता है बाकी फिर ना गुजराती। और उसके बाद नर्स डे सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ते के साथ में, ठीक है मैडम? आपने इंजेक्शन बहुत लगाया, थोड़ा सा सैंडविच खा लीजिए, ठीक है? तो ये छोटी नर्स है बोले सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी है। अच्छा कभी ऐसा मिला नर्स मैडम के भी आपकी गुड़िया है तो कभी इसको आपके हाथों से इंजेक्शन लगाना पड़ा ऐसा? अच्छा मैंने बहुत कोशिश की एस्केप होने की। अच्छा मैं पूरे फ्लैट में दौड़ी थी। अच्छा नेबर्स के घर चली गई थी बिल्कुल, बट फिर भी पकड़ के लाए और इंजेक्शन मारा। मतलब मम्मी ये माँ का फर्ज निभा दिया, मतलब माँ की ममता बोलते हैं जो है ना, माँ का प्यार और माँ की ममता पहली बार देख रहे हो दोस्तों इंजेक्शन के रूप में। हालांकि सच बोले तो मैं खुद जो बचपन में बहुत डरता था इंजेक्शन से, नर्स से तो मिला है उसके साथ ऋतु बहन, इनकी मम्मी टीचर है मतलब है ना, उसी स्कूल में इनको बहुत मारा। अच्छा जिसमें आप पढ़ते थे उसी में टीचर थी आपकी मम्मी? नहीं मारा था मम्मी, नहीं मारा था मतलब, तो मम्मी के रूप में टीचर का मार खा के आपको कैसा लगा? बहुत गुस्सा आता था कि मेरी मम्मी नहीं मारा मुझे, गुस्सा तो
बहुत आता था, लेकिन शायद उन्होंने मारा है तभी आज हम यहाँ स्टेबल है। लेकिन मेरा ये मानना, जैसे आपने बोला आज हम यहाँ पे स्टेबल है, तो वो मम्मी की मार टीचर के रूप में पढ़ी तभी आप एक इतना सक्सेसफुल वुमन बने, एक बिजनेस वुमन बने और इतनी अच्छी पढ़ाई में आप आगे बढ़े। अगर मम्मी की मार उस वक्त नहीं पड़ती, काश मेरी मम्मी की भी मार मुझे पड़ती, लेकिन पड़ी है, मम्मी ने मामा से पढ़ा दी, मामा जी वीडियो देख रहे हो, मामा जी वाले की वीडियो नहीं देख रहे, फिर भी देख रहे हो तो बहुत यार क्या बोलो, ऐसे ऐसे कांड किए ना मामा ने। पर ठीक है, अभी मामा जी अच्छे हैं वैसे दिल से। तो आपके साथ क्या हादसा बोला, आपको कभी मम्मी का हादसा इंजेक्शन पड़ा था? जी मुझे इंजेक्शन मिलता था, मुझे डिटेंशन मिलता था, मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता था, लेकिन उसके बाद फिर मनाते भी वही थे, याद भी वही करते थे, ताकि फिर से मेरा माइंड रिफ्रेश हो और दूसरे दिन फिर से वही रिपीट होता था। लेकिन लाइक दिस इनके साथ बिग बॉस और लॉकअप जैसा सीन हो रखा था, है ना, तो फिर भी अच्छा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा फ्यूचर में अच्छा रहा, फ्यूचर में अच्छा रहा काफी। तो बस ये कहना चाहूँगा दोस्तों, माँ बाप अगर आपको मारते हैं कहीं ना कहीं आपके प्यार आपके भलाई के लिए मारते हैं, तो प्यार से माँ बाप की मार खा लिया करो, वरना बड़े होने के बाद आपको वो भुगतान वो पश्चाताप रहेगा कि काश हमने बचपन में मम्मी पापा के हाथ से थोड़ी बहुत मार खा ली होती तो हम सुधर गए होते। कोई नहीं, हम तो सुधर गए, अभी फिलहाल नाश्ता कर रहे हैं, तो आपके भी मुँह में अगर पानी आ गया तो आपके पड़ोस में जाइए, जो भी आंटी है उसको बोलिए नाश्ता करवा देगी, ठीक है ना। तो सुबह नहीं लेकर इस, अभी हमने इधर नाश्ता कर लिया है, अभी आंटी जी वगैरह जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमने बोला आंटी जी आए बरसों के बाद थोड़ा रुक जाइए, इसमें क्या है, और आए भी कैसे मौके पे नर्स डे पे, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं तो वरना गुस्से गुस्से इंजेक्शन डाल दिया मेरे को, ठीक है ना। तो आंटी जी आज आप हमारे इधर आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप क्यों जा रहे, जाने की जिद कर रहे हो? घर तो सब घर है तो जाना पड़ेगा, बहुत अच्छा तो बोला घर है तो जाना पड़ेगा ना, और क्या बोलते हैं धरती नो छेड़ू घर, हमारे गुजराती में ऐसा बोलते हैं ना, हम दुनिया के किसी भी कोने में जाता चाहे दुबई जाता चाहे रशिया जाता, लेकिन आना तो घर को ही पड़ता है ना। और आंटी ऐसा भी बोलते हैं कि सुबह का भूला जब शाम को घर पे लौटता उसको भूला नहीं कहते, उसको आग बबूला कहते हैं, आग बबूला। तो गुड़िया बेटा तुम तो रुक जाओ बेटा, क्या ये गुड़िया हमारा खाने में बहुत शर्माता, लेकिन आंटी ने हमारे को ये कहना संडे को इनविटेशन दिया है, इनके वहाँ पे डोसा बनने वाला है, कैमल डोसा। आप लोग ने कभी कैमल डोसा खाया है? खाया तो मुझे कमेंट करके बना दो, कैमल डोसा कौन बनाने वाला, हमारा भैया बनाने वाला है ना। तो ये भैया बहुत अच्छा शेफ है, तो अभी हमको संडे को जाएंगे आंटी जी के वहाँ पे, हम खाएंगे यहाँ पे कैमल डोसा। तो क्या होता है कैमल डोसा, क्या क्या उसमें लगेगा, वो सब आपको उस दिन मैं लाइव बताऊँगा वीडियो शूट करके, है ना। तो शेफ साहब हमको कैमल डोसा खिला था, है ना। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे पूरा करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना चाहिए, और लाइक करना बिल्कुल, कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो बुरा लगा हो जो भी, लेकिन दिल से करना है ना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।